हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट राघव और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं मंडे नाइट रॉ की सारी अपडेट। जो मंडे नाइट रॉ आज अपलोड हुआ है सारी अपडेट है आपके सामने। चलिए तो शुरू करते हैं बारी बारी से। दोस्तों पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, द बीस्ट कॉन्करर ब्रॉक लेसनर अपने एडवोकेट के साथ, पॉल हेमन के साथ। दोस्तों जब आपको बता दूं कि द बीस अपनी टाइटल यूनिवर्सल चैम्पियनशिप को डिफेंड करने आए थे, लेकिन उनको बीच में इंटरप्ट किया द मॉडर्न डे महाराजा ने और पढ़ाने लगे ओम शांति का पाठ द बीस्ट को। द बीस्ट भी थोड़ा सा अचंभित हो गए, थोड़ा सा आप कह सकते हो मस्ती फन करने लगे मॉडर्न डे महाराजा के साथ। लेकिन 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 जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हो, द बीस्ट को आप कह सकते हो कि द बीस्ट को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मॉडर्न डे महाराजा को दे दिया है 5 सुप्लेक्सिटी मारा उन्होंने मॉडर्न डे महाराजा के दोनों गार्ड्स को, यानी कि सिंह ब्रदर्स को, और F5 अब ज़मीन पर ही दे दिया मॉडर्न डे महाराजा को। बिल्कुल भी पसंद नहीं आया उनको मॉडर्न डे महाराजा का शांति पाठ। फ्रेंड दूसरी तस्वीर जो आपके सामने फ्लैश हो रही है वो है द सेथ रॉलिंस की। दोस्तों सेथ रॉलिंस का अपकमिंग आप कह सकते हो अपकमिंग उनका आप कह सकते हो अपकमिंग सर्वाइवर सीरीज़ का जो मैच होने वाला है सिंस के नाकामूरा के साथ, उसके बारे में WWE के अनाउंसर रिकी खान जो बात कर रहे थे सेथ रॉलिंस से, लेकिन सेथ रॉलिंस को बीच में इंटरप्ट किया डीन एम्ब्रोस ने। तो मैं आपको बता दूं कि डीन एम्ब्रोस की हिम्मत तो नहीं थी सेथ रॉलिंस के सामने पढ़ने की, इसलिए डीन एम्ब्रोस ने सामने लगी स्क्रीन में नज़र आने लगे बड़ी सी स्क्रीन में उन्होंने लाइव आ गए सामने और सेथ रॉलिंस से बात करने लगे और सेथ रॉलिंस को बताया कि किस तरह से उनको बर्बाद किया गया है और किस तरह से उनको यूज़ किया गया है द शील्ड के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस के बीच काफ़ी देर तक कहासुनी हुई, हर तरह की बातें हुई। डीन एम्ब्रोस ने सारी बातें बताई कि किस तरह से द शील्ड में उनका यूज़ हुआ है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक मोहरे की तरह देखा गया है, सिर्फ उनका यूज़ किया गया है, दूसरों ने सिर्फ उनका यूज़ किया है अपनी टाइटल बचाने के लिए, अपनी चैम्पियनशिप बचाने के लिए। कभी उनको कह सकते हैं कि मौका नहीं दिया डिफेंड करने के लिए कोई भी टाइटल कोई भी चैम्पियनशिप।